स्टूडेंट्स वॉट एवर होमवर्क इज गिवन टू यू यू हैव टू सबमिट इट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे बिटवीन ऐट ए एम टू वन पी एम टू दिविन व्हाट्सअप नंबर एंड इट इज कम्पल्सरी टू सबमिट योर होमवर्क एज योर अटेंडेंस विल बी मार्क ऑन द बेसिस ऑफ योर सबमिशन बच्चों पहले भाग में हमने कहानी छोटा मेमना के नए शब्द पढ़े अब हम कहानी का एनिमेशन देखेंगे छोटा मेमना एक समय की बात है एक छोटा अपनी मां से पूछकर अपनी नानी के घर जाने के लिए निकला। रास्ते में उसे एक बाघ ने मेमने से कहा मैं तुम्हें खाऊंगा मेमना डर गया उसने हिम्मत करके कहा नानी के घर जाऊंगा रस मलाई खाऊंगा मोटा होकर आऊंगा फिर तुम मुझको खा लेना बाघ ने कहा ठीक है जाओ मोटा होकर आओ मीमना आगे चला तो उसे एक मिली। उसने कहा तू तो बहुत मुलायम और सुंदर है मैं तुझे खाऊंगी मीमना बोला नानी के घर जाऊंगा रस मलाई खाऊंगा मोटा होकर आऊंगा फिर तुम मुझको खा लेना ने कहा ठीक है, जाओ, मोटा होकर आओ। इसी तरह को से मिले, जंगली सियार भालू और कुत्ता सभी से वह एक ही बात कहता और अपनी जान बचाता ना जा पहुंचा अपनी प्यारी नानी के घर उसने सारी बात नानी को बताई नानी ने कहा तू घबरा घर पहुंच जाओगे नानी ने उसे ढोल के अंदर बैठाया और जोर से धक्का दिया ढोल मेमने के घर की ओर लुढ़कता गया रास्ते में उसे वही सियार जंगली कुत्ता भालू और पाख मिले सबने पूछा ढोल भाई क्या तुमने कहीं छोटे को देखा ढोल के अंदर से मेमना बोला कौन सा मेमना कहा का मेमना कौन है तू मैं तो हूं ढोल चलता हूँ ठम्मक ठू सभी जानवर मेमने को ढूंढते रह गए और मेमना मजे से लुढ़कता हुआ अपने घर मां के पास पहुंच गया